चलना पिक्चर देखना मेरे को। ओके वीर, सबसे पहले तो आप कॉन्ग्रेचुलेशन जिस तरह की ये फिल्म है 31 अक्टूबर 1944, क्योंकि ये फिल्म रिलीज होने वाली है 21 अक्टूबर को। हाँ जी, आप कितने एक्साइटेड है, क्योंकि फिल्म को हमने देखा कई सारे प्रॉब्लम हुई फिल्म को, PIL भी हुआ आपको लेकर, कुछ ऑब्स्टिकल्स हुए थे फिल्म के रिलीज में, सेंसर बोर्ड में 9 महीने लग गए थे, लेकिन उन 9 महीनों में हम वैंकूवर चले गए, टोरंटो चले गए, लंदन चले गए, फिल्म फेस्टिवल से बहुत अच्छा रिस्पांस मिला। PIL जो था, आई थिंक इट्स अ गुड थिंग कि द जुडिशियल सिस्टम ऑफ आर कंट्री ने सपोर्ट किया है फिल्म को। 24 आवर्स के अंदर PIL डिफीट हो गई, कॉस्ट हो गई थी, लाइक एक्सपेक्टेड नहीं था। आई थिंक जब ये कठिनाइयाँ आती हैं फिल्म के रिलीज में तो सपोर्ट भी बढ़ जाता है फिल्म के लिए। बहुत बड़ी पंजाबी कम्युनिटी है, सिख कम्युनिटी है, हिंदू कम्युनिटी है जो इस फिल्म को देखना चाहती है, और अवेयरनेस क्रिएट हुई है इस फिल्म के बाद, क्योंकि वीर कई सारे स्टूडेंट्स को भी फिल्म दिखाई गई है। जी बिल्कुल, बहुत पंजाबी कॉलेजेस में दिखाई गई है, गुरुद्वारों में दिखाई गई है, अक्रॉस द बोर्ड अच्छा रिस्पांस मिला है। इम्पोर्टेंट फिल्म है लोगों को देखने के लिए। इंडियन ऑडियंस से जो सिनेमा घरों में देखते हैं उनसे किस तरह के रिस्पांस की आपको इच्छा रखते हैं आप, उनसे किस तरह की, उनको काम पसंद आए, उनको याद आए कि क्या हुआ था 31 अक्टूबर को, और इंशाल्लाह वो आके देखे कि कैसे हिंदू लोग, मुस्लिम लोग और पंजाबी लोग एक साथ आए एक कम्युनिटी की मदद करने के लिए। और आज के इस मौके पर आप जानना चाहिए कौन कौन आने वाला है, कौन कौन आने वाला है, जो भी आएगा चाय पियेंगे, बिस्किट खाएंगे, फिल्म देखेंगे, मुझको इतना मालूम नहीं, लेकिन कुछ दोस्त आएंगे। ठीक है, कूल, थैंक यू गाइस। मैं ऑब्वियसली बहुत ही एक्साइटेड हूँ, जैसे आपने कहा ये फिल्म हम चाहते थे कि पिछले साल 31 अक्टूबर को रिलीज हुई, लेकिन नहीं हो पाई, सेंसर में अटकी 9 महीने, फिर कुछ PIL फाइल हुए थे फिल्म के खिलाफ, लेकिन अभी फ्राइडे को रिलीज़ होने वाली है। नाम है 31 अक्टूबर रिलीज डेट है 21 अक्टूबर, टीम बहुत ही एक्साइटेड है। ऑफकोर्स मैं खुश हूँ, और एक्चुअली एक अच्छी बात निकली प्रॉब्लम्स के ज़रिए, वो ये था कि बहुत सारे लोग इस फिल्म को सपोर्ट करने बाहर आए, वेदर इट वॉज द गुरुद्वारा कमेटी, वेदर इट वॉज अक्रॉस पोलिटिकल पार्टीज, वेदर इट वॉज स्टूडेंट्स खालसा कॉलेज से लेकर टू इन ऑल कम्युनिटीज, एक्चुअली लॉट्स ऑफ पीपल हैव सेड कि आपकी फिल्म प्रॉब्लम में है, हम आपकी फिल्म देखना चाहते हैं, बहुत खुश है कि ये सच्ची कहानी पहली बार बड़े स्क्रीन पर आप दर्शा रहे हैं ये कहानी, तो वी वॉन्ट टू सपोर्ट योर फिल्म, जो हमें बहुत अच्छा लगा। लेकिन सो कहीं ना कहीं बुरा लगता है, इतना सा सब्जेक्ट होने के बावजूद भी कैंसर में फिल्म इतने महीने अटकी रही। ऑफकोर्स बुरा लगता है, चैलेंजिंग होता है, लेकिन हम खुश है कि एटलीस्ट एंड में 40 कट मांगने के बाद अंत में सिर्फ 9 कट मिले इस फिल्म को, और एंड में सेंसर बोर्ड ने भी कहा कि उनको फिल्म बहुत अच्छी लगी, सो आई एम हैप्पी एटलीस्ट दैट नाउ इट इज़ रिलीजिंग, बट ऑफकोर्स जब टाइम लगता है तो नुकसान होता है सबको। देखिए मैं तो आर्टिस्ट हूँ, तो मैं फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन में बिलीव करती हूँ, और मैं मानती हूँ कि CBFC का काम है कट नहीं करना, लेकिन एक सर्टिफिकेशन देना कि आप इस उम्र के हो तो आप फिल्म देख सकते हैं, या इस उम्र के ऊपर के लोग ही देख सकते हैं इस फिल्म को। आई डू थिंक दैट देयर मेक टू मेनी कट्स, हमें ऑडियंस को बच्चों की तरह नहीं ट्रीट करना चाहिए, ऑडियंस को खुद डिसाइड करना चाहिए उनको कुछ अच्छा लगे या नहीं अच्छा लगे। मैं तो अपनी फैमिली को ऐसे बैठा के नहीं दिखाती हूँ, मेरी फैमिली खुद डिसाइड करते हैं उनको फिल्म देखना है या नहीं, और मुझे गर्व की बात यह है कि अम्मा ने खुद मुझे बताया कि उनको प्रोमो बहुत अच्छा लगा, उनका एक सर्कल है 7 लोगों का सर्कल, वो उस टाइप की माँ नहीं है जो हर
फिल्म अपनी बेटी या बेटे का देखे, अच्छी फिल्में देखती हैं वो, तो उनके पास टाइम कम है, मतलब वो सोच समझ के, बहुत कीमती समय है उनका. और इस बार उन्होंने कहा कि आपका प्रोमो बहुत ही अच्छा है और मैं ये फिल्म देखना चाहती हूँ, एंड यू हैपन टू बी इन दिस फिल्म, तो इत्तेफाक की बात है कि आप इस फिल्म में हो. जी, और आज जो मैरिज लेडी के लिए सबसे बड़ा अच्छा दिन वो हमने सुना कि आप दिलीप तो नहीं करती, लेकिन देखिए कहना चाहेंगे अपने कुणाल के लिए, अपने कुणाल के लिए, अपने प्यार के लिए. मैंने पिछले साल करवा चौथ रखा था, मुश्किल है जो लोग रख रहे हैं, मैं उनको मुबारकबाद देना चाहती हूँ. आई डोंट थिंक ये नेसेसरी है, आपकी इच्छा है अगर आप रखना चाहे या ना रखना चाहे. कुणाल की फैमिली में और हमारी फैमिली में ट्रेडिशनली नहीं है करवा चौथ रखने का, लेकिन क्योंकि हमारी पहली शादी का पहला साल था पिछले साल, मुझे लगा कि रखना चाहिए. आई थिंक ये जो मैंने एक दिन खाना नहीं खाया वो जिंदगी भर के लिए कुणाल का, कुणाल को होपफुली सुरक्षित रखेगा. थैंक यू, थैंक यू. बहुत खुशी होती है जब अपने दोस्तों की पिक्चर रिलीज हो रही है, तो आज वीर और सोहा की फिल्म रिलीज हो रही है, तो उनके सपोर्ट के लिए मैं आई हूँ. एंड एज यूजुअल एक्सपेक्टेशन यही है कि फिल्म बहुत अच्छी होगी, एंड द रेस्ट वी विल गेट टू नो आफ्टर द फिल्म रिलीजेस. थैंक यू, थैंक यू. आई हैव टू गो.